दुर्ग के आकाश मजुमदार उर्फ सोना और लेखराम यादव जो गौ सेवक हैं और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर निशुल्क गौ सेवा समिति का संचालन करते रहे हैं। ये दोनों ही 1 मार्च को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अनुमति से मिशन गौ माता को लेकर पदयात्रा करते हुए राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है और मुख्य विषय ये है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस देश में प्रथम बार इस विषय को लेकर कोई इतना बड़ा कार्य कर रहा है। इस कार्य के लिए इन दोनों युवाओं को भारी समर्थन भी मिल रहा है। इस कार्य के लिए ह्यूमन राइट्स YDC के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ दोनों युवाओं को शुभकामना देने पहुंचे, तभी हमने भी इसे इस मिशन के बारे में चर्चा की। आइए देखते हैं इन दोनों युवाओं का ये मिशन किस तरह का है और इसे यह कैसे पूरा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एशिया न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। ये मुलाकात कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं है, यह मुलाकात कुछ अलग हट करके है, क्योंकि आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी बोलना चाहिए है तो ये एक आम इंसान जैसा ये खुद कहते हैं, लेकिन हमारे लिए सेलिब्रिटी है। इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आपको एक ऐसे विषय पर हम लेके चल रहे हैं जो विषय आज पूरे देश का एकमात्र प्रथम विषय बन के रह गया है और इसको लेकर के काफी विवाद भी देखे जाते हैं, काफी अच्छे कार्य भी देखे जाते हैं। जो सेलिब्रिटी हमारे साथ है इनका परिचय हम नहीं करवाएंगे, ये अपना परिचय स्वयं देंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि क्या है खास। आपका स्वागत है एशिया न्यूज में। एशिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे इस मिशन में, हमारे इस कार्य में अपना समय दिया और जनता तक पहुंचाने में आप मदद कर रहे हैं लगातार एशिया न्यूज। वैसे तो मुझे लोग गौ सेवक के नाम से कहते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया है, आशीर्वाद है बड़ों का। आकाश मजुमदार नाम से, मेरा नाम आकाश मजुमदार है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे साथी ये लेखराम यादव है। विगत 10 वर्षों से हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं और जितनी सारी परेशानियां गौ सेवा में देखने आ रही है पूरे भारतवर्ष में, गौ सेवा के साथ साथ गौ माता के संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जो भी परेशानियां हम देख रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं विगत 10 वर्षों से। एक अभियान आपने छेड़ा है मिशन गौ माता जी, और उसका स्लोगन आपने रखा है कि मिशन अभिमन्यु भेदेंगे चक्रव्यूह। हाँ, उसका एक तात्पर्य है, अभिमन्यु चक्रव्यूह तक तो पहुंच चुके थे, सॉरी चक्रव्यूह तक तो पहुंच चुके थे, भेद नहीं पाए थे। तो हमारा ये मिशन है, हमारे देश में पहली बार हुआ है, हमने राष्ट्रपति के पोर्टल के माध्यम से लगभग 1.5 माह लगा हमें इस पूरे कार्य को करने में, जिसे राष्ट्रपति महोदय जी ने हमें परमिशन ग्रांटेड किया। हमने उनसे परमिशन मांगा कि गौ माता के संरक्षण हेतु हम दुर्ग से दिल्ली पद यात्रा करना चाहते हैं। पोर्टल के माध्यम से उन्होंने हमें अनुमति प्राप्त किया और संपूर्ण भारतवर्ष में ये पहली यात्रा होगी गौ माता के प्रति। इसके पहले बहुत से संत महात्माओं ने किया है परंतु वो परमिशन ग्रांटेड यात्रा नहीं थी, सनातन के भाव से थी, जागरूकता के भाव से थी। तो ये सबसे पहली बात तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि गौ सेवक होने के नाते, निस्वार्थ गौ सेवक होने के नाते, और इस मिशन के एक ही तात्पर्य और एक ही माध्यम है हमारे सनातन में, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं, गौ माता को हम माँ का रूप स्वरूप मानते हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, ये हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जिसको हम महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। उसके बाद भी इतनी समस्या में और इतनी परेशानी में गौ माता क्यों है? हमने बहुत सारे चीजों को देखा, टैली किया, पढ़ा इस 10 वर्ष में। आज अब देखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गौ माता और गौ वंश का जो नस्ल है, और इसकी तुलना दूसरे राज्यों से करिए, आपको यहाँ का नस्ल कुपोषित लगेगा। आप MP चले जाइए, UP चले जाइए, बिहार चले जाइए, तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं लोगों में
अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं लोग इस बीड़ा से पीछे हट रहे हैं। जब तक गौ माता दूध दे रही है तब तक उसका पालन पोषण हो रहा है, उससे चारा पानी खिला, जैसी एक सीमा रहता है, उम्र सीमा रहता है गौ वंश का, अगर वो दूध देना बंद कर दे रही है, उसे रोड में छोड़ दिया जा रहा है, वही गौ माता कत्ल खाने कटने जा रही है। आकाश भाई, आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि कुपोषित नजर आता है गौवंश छत्तीसगढ़ में जी। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य भी है जहां गौ माता को लेकर के काफी हद तक राजनीतिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं जी। और दीगर पार्टियां जो हैं वो गौ माता को कभी अपना बताती हैं, कभी कोई अपना बताता है जी, जी। और सब हिंदुवादी संगठन है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सब हिंदुवादी संगठन जो है वो गौ माता को अपना बताते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितने भी हिंदुवादी लोग हैं क्या गौवंश का पालन करते हैं? क्योंकि गौवंश के पालन के लिए एक कौम है जिसे यादव कहा जाता है जी, है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम अधिकार तो यदुवंशियों का है, श्री कृष्ण के वंश के है वो, मगर आज वो पीछे हट रहे हैं गौ सेवा कार्य में, महज व्यापारिक दृष्टिकरण को देखते हुए। इसलिए हम जो आज दूध भी पी रहे हैं ना खरीद के घर शहर में अपने घरों में जो दूध भी आ रहा है, वो भी दूध का भी अपमान हो रहा है। आज गाय के दूध से ज्यादा टेट्रा का दूध उपयोग हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा भी टेट्रा का दूध पी रहा है, एक बुजुर्ग भी पी रहा है, एक मरीज भी पी रहा है, इससे हमारी नस्ल खराब हो रही है और उसका कारण है जैसे मैंने पहले भी कहा कुपोषित क्यों नजर आ रही है, उसका कारण है वीर संग्रहालय, उसको बढ़ावा दे रही है वर्तमान सरकार, केंद्र चाहे वो, मैं चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो गौवंश के साथ जो मैं देख रहा हूं, जो अब वीर संग्रहालय से ये हो रहा है, जो प्राकृतिक तरीके से गौवंश से गौवंश का उत्पन्न हो रहा था वो बंद हो गया है। अब समझिएगा बात को, जैसे हम मनुष्यों में सेलुलर बेबी और माता पिता से जन्म लिया हुआ बेबी में कितना फर्क रहता है, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं। आकाश भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से हट रहे हैं जी, तो थोड़ा सा मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सही कहा है कि वंश का फर्क पड़ रहा है जी। आपने एक मिशन दिया है जी, राष्ट्रपति जी से आपको परमिशन अनुमति मिल गई है, ये जो आप मिशन पे जा रहे हैं जी, कैसे आपको लगा कि ये मिशन करना चाहिए, संक्षेप में बताइए। देखिए, बहुत वर्षों से इसमें जुड़ा हुआ था, इसके पहले भी मैंने महामहिम राज्यपाल जी से भी अनुमति लेके दुर्ग से रायपुर पद यात्रा किया, उसमें ये हुआ कि उसकी रिपोर्ट उसकी जब रिपोर्ट वापस आई, बोले कि ये पॉलिसी मैटर है, संसद का विषय है, संविधान का है, आपने जो ज्ञापन दिया उसे हम फॉरवर्ड कर दिए। इस बात को हो गया 8-10 साल। देखो, एक जो गौ सेवक होता है उसके अंदर गौ सेवा का भाव अगर जग गया तो जीवन भर मरते दम तक रहेगा, वो एक अलग मुद्दा है। इस 10 वर्षों में हमने देखा कि कोई एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं लोग, दुनिया भर की चीजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दुनिया भर की मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सारी पार्टियां भी वही कर रही है और उसी मुद्दों को बना के सरकार में आ रही है और चले भी जा रही है, लेकिन गौ माता को जो गौ माता बोल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे सनातन में अपमान हो रहा है, मैंने उसको फील किया। हमारी जो टीम है मैं उनसे हमेशा डिस्कस करता था कि इसमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो हमें तो राष्ट्रपति जो पोर्टल का जो माध्यम है एक्चुअल में हमें भी नहीं पता था, और जब इसमें हम लोग विजिट किए, एक बड़े भैया है मेरे शासकीय अधिकारी, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, उनका बहुत मदद रहा मेरे साथ, तो वो लगभग 1.5 माह उनको लगा रिसर्च करने में, नहीं तो आप जानते ना पर्टिकुलर एक आम आदमी को राष्ट्रपति बोलोगे तो आदमी अरे वहां तक कैसे पहुंचूंगा, वो पहले वकील के पास दौड़ेगा अगर एक आवेदन या कंप्लेन करना है तो। जिस दिन हमने पोर्टल में विजिट किया 88,000 व्यूवर्स थे उसमें, 2 दिन के अंदर 1,30,000 हो गए, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मदद हमारे द्वारा तो मिल गया कि आपको अगर कोई शिकायत है कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप में एक न्यायालय है। मिशन की बात कर रहा जी, प्रेरणा तो आपने बताई कि आपकी जो समिति है, आपकी जो टीम है उस टीम से और आज के जो वर्तमान के हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए आप प्रेरित हुए और आज एक मिशन पे जा रहे हैं। मिशन पे जा रहे हैं। पदयात्रा है आपकी, संपूर्ण पदयात्रा दुर्ग से दिल्ली, लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसमें हम दो पदयात्री आकाश मजुमदार और लेखराम यादव, हमारे मैंने अपने निजी वाहन को गौ रथ बनाया है, जो मेरे साथ सेवा भाव से दो मेरे भाई है जो बोले हम गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है, एक व्यक्ति का चलाना संभव नहीं है। एक भाई बोला कि मैं बॉडी को गार्ड करने का काम करूंगा, एक बड़े भाई है रायपुर के बोले कि मैं अपना पर्सनल गनमैन दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है, जंगल पड़ेगा, बिहड़ पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे रेड जोन मिलेंगे जहाँ कत्ल खाने होंगे, देश की स्थिति परिस्थिति तो देख ही रहे हम। तो मेरे को प्रेरणा मिला इससे और हमने डिसीजन लिया और हमको परमिशन भी मिल गया और इस संपूर्ण पद यात्रा रहेगी। हमारे साथ जो वहां गौ रथ में रहेंगे उनको छोड़ के लेखराम और आकाश उस गौ रथ में नहीं चढ़ेंगे जब तक राष्ट्रपति महोदय जी को हम अपना ज्ञापन नहीं देंगे। और ये पूर्ण रूप से सनातनी यात्रा रहेगा, अदरक लहसुन प्याज का भी हम सेवन नहीं करेंगे, ना किसी प्रकार का हाई प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डाइट हम लेंगे और उसी में हम चलेंगे। ये तो हुई आपकी यात्रा की बात जी। दिल्ली जाना है जी, राष्ट्रपति जी से मिलना जी, जो ज्ञापन आप सौंपने वाले हैं उस ज्ञापन की हम बात कर ले जी। संक्षेप में बताएंगे कि उस ज्ञापन में क्या है? जितनी सारी समस्या है हमने रीड किया 10 वर्षों में, हमें लगता है कि हर विधानसभा में एक गौ एम्बुलेंस हो, कम से कम हर विधानसभा स्तर में एक डॉक्टर हो, गौ चिकित्सक हो, मतलब चिकित्सक हो, जो पशु चिकित्सक हो, जो जिले में एक रहता है। आप कभी जाइए अस्पताल, ताला बंद मिलेगा आपको। इसलिए आज प्राइवेट लोगों को लाइसेंस ना होकर भी उनको सेवा करना पड़ रहा है, और अगर वीडियो डाल देता है तो वो कानून के खिलाफ हो जा रहा है। तो ऐसे में गौ सेवक करेगा क्या? दूसरी चीज, अधिनियम क्यों नहीं बना रहे हो आप गौ माता के लिए? आपने मोर के लिए बनाया, शेर के लिए बनाया, इसके लिए भी बना दो, गौ माता के लिए बना दो आप। अब देख लीजिएगा, जिस दिन अधिनियम आ जाएगा, राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, या एक अधिनियम आ जाएगा कि इसे जो बेच रहा है उसके ऊपर ये अधिनियम लागू कर दिया जाए और जो खरीद रहा है उसके ऊपर भी लागू कर दिया जाए, ना रोड में दिखेगी ना बिक पाएगी। और राष्ट्रमाता अगर घोषित हो गई तो मैं मानता हूं इस देश में जितने मंदिर है हमारे देवी देवताओं के, उससे ज्यादा गौ माता के हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, जैसे आप महादेव के लिए भी हुए हैं लोग जागरूक विगत 3 वर्षों से। दोस्तों, आकाश मजुमदार जी का साफ कहना है कि जो मांगे हैं उसका उसमें मुख्य जो मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना इनकी प्राथमिकता है। गौ माता को राष्ट्र माता आपको घोषित करवाना है जी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये तो हो गया मिशन की बात। और ये यात्रा कब से कब तक चलेगी उसकी जानकारी बताएं। आगामी 1 मार्च शुक्रवार को सुबह 11 बजे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर निःशुल्क सेवा समिति से शुरू होगी यात्रा, और इसमें विभिन्न संगठन, गैर संगठन के लोग, सामाजिक लोग, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। कोई गुप्त रूप से समर्थन दे रहा है, कोई अपना सजेशन दे रहा है, कोई खड़े होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के भी समर्थन दे रहा है। जैसे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है, हमारा कंधे से कंधा मिला के मार्गदर्शन भी कर रहा है, समर्थन भी दे रहा है, क्योंकि सीनियर लोग हैं। और अगर एक सीनियर ग्रुप का आपको सजेशन मिलता है तो काम निखर के आता है, आपको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आता है। ऐसे बहुत सारे संगठन है, भारतीय युवाणी है छत्तीसगढ़, तमाम लोग हैं, और कई लोग खुल के नहीं दे पा रहे हैं पार्टी मैटर के कारण। तो मैंने इसमें निर्णय लिया है, 28 तारीख को मैंने निर्णय लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, जो प्रक्रिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उस दिन मैं सबसे पहले औपचारिक और लिखित में, मैं वर्तमान में प्रदेश का सचिव हूँ निर्वाचित यूथ कांग्रेस का। आपको विगत ज्ञात होगा कि विगत समय में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले इस्तीफा दूंगा, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यात्रा किसी पार्टी का हो। मैं प्योरली इस यात्रा को गौ माता के लिए करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे
अगर पद का त्याग करना पड़ रहा है पार्टी का, मेरा 18 साल का करियर, ये सब मेरे को कोई मायने नहीं रखता। ये तो बात हुई पार्टी लेवल की कि पार्टी को छोड़ देना चाहिए ऐसी यात्राओं में, जाहिर सी बात है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए ऐसी यात्राओं का। एक मार्च को आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है, शहरवासियों से जिलेवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी यात्रा जब शुरू हो जी। तो एक कहते हैं ना कि जब कोई घर से जाता है या कहीं भी जाता है उसे छोड़ने दो, चार लोग जाते जरूर है जी, उनसे उनका हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे एक मार्च के लिए? अभी जो एक मार्च से पहले था, एक महीने से हम यही मुहिम चला रहे हैं, हम आमंत्रण के तौर पे, पॉम्पलेट के तौर पे, बैग के तौर पे, हम लगातार एक माह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता को और देश के 5 राज्यों का ये यात्रा होगा जिसे हम पार करके दिल्ली पहुंचेंगे। हम इस तरीके से देश को, पूरे प्रदेश को ये आमंत्रण दे रहे हैं कि अब 1 तारीख को सम्मिलित हो गौ माता के प्रति, अब 2 कदम गौ माता के प्रति चले। हम ये नहीं कह रहे कि 1400 किलोमीटर, क्योंकि संभव नहीं है। हम इस तरह से पॉम्पलेट और ये बैग, ध्वनि के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से लगातार हम बने हुए हैं जनता के बीच, बहुत अच्छा रुझान, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, प्रोफेसर्स, सभी का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। चलिए ये तो हुई बातें इसकी, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे पूछना चाहूंगा जी कि जो आपकी सोच है मिशन गौ माता जी, क्या लगता है देश दुनिया कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए हमें परमिशन भी उसी चीज की मिली है, संरक्षण हेतु, तो हमारा पूरा दायित्व होता है कि जब हम इस 5 राज्यों की यात्रा को करेंगे, लोगों को जागरूक करना। अगर लोग जागरूक हो गए तो इतने सारे गौ सेवक उत्पन्न हो जाएंगे देश भर में कि ये जो परेशानियां जो देखने को मिल रही है कि कत्ल खाना जा रही है, तस्करी हो रहा है, गौ सेवक गाड़ी में रौन दिए जा रहे हैं, उनका हत्या हो जा रहा है, पूरे गौ सेवक को हौसला मिलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी जीत का एक पहला कदम होगा। दर्शकों आप देख रहे हैं आकाश मजुमदार जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ माता को लेकर के बहुत सारे विवादास्पद स्थितियां भी बनती रहती हैं। तो आकाश मजुमदार ने एक पहल की है, एक कहा जाए कि बहुत अच्छी पहल है ये कि गौ माता को लेकर के इस तरह की यात्रा करते हुए सिर्फ अपने जिले, अपने शहर, अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों को भी, जिन जिन प्रदेश से ये गुजरेंगे उन सभी को यह गौ माता की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जागरूक करते जाएंगे। एशियन न्यूज भी अपने जिलेवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता है कि आकाश मजुमदार जिस यात्रा पे निकल रहे हैं, जिस मिशन पे निकल रहे हैं, आप सभी इनका हौसला बढ़ाएं और 1 मार्च को अपने घर के लाडले को एक मिशन पर जाने के लिए विदाई देने जरूर आए। आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जो मिशन चुना है उसके लिए आपने समय दिया और आपने बताया। हम भी कामना करेंगे कि आपका यह मिशन सफल हो। मैं सर्वप्रथम एशियन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि न्यूज चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता के बीच में आया और मेरे संदेश जन जन तक पहुंचेगा और सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि गौ माता को विलुप्त होने से आप बचाइए। मेरे इस अभियान में अपना 2 कदम देके गौ माता के संरक्षण हेतु अपनी सहभागिता निभाइए। धन्यवाद दोस्तों। आकाश मजुमदार की बात आपने सुनी, उनके मिशन के बारे में सुना, हमने भी आपसे अपील की है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शख्सियत हैं जो छुपे हुए हैं, जो कभी सामने नहीं आ पाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे जनहित के कार्य, ऐसे गौवंश की रक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हम आपको उनसे जरूर मिलवाएं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।